ये दोस्तों एक पैनासोनिक की पीसीबी है, एक इसमें प्रॉब्लम आती है। अब वो जो है जो भी मैकेनिक यहाँ पे रिपेयर कराने के लिए आता है वो इसको प्रॉब्लम कहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने इसको पीसीबी को ऑन कर दिया है, अब यहाँ पे देखेंगे आप ये मोटर हमारी चल चुकी है। अब ये इसमें होगा क्या, जैसे ही यहाँ पर हमारी आउटपुट आएगी, मतलब जैसे ही कंप्रेसर चलेगा, तो ये जो हमारी इंडोर की फ़ैन मोटर है ये हमारी बंद हो जाएगी। अब इसको कोई कोई मैकेनिक जो है आता है और आके कहता है कि भाई यार ये, अब यहाँ पे जैसे ही आउटपुट आएगी, यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है, अब यहाँ पे देखें आप फ़ैन मोटर रुक चुकी है, पीसीबी हमारी ऑन है। मैकेनिक आता है आके कहता है कि भाई ये जब आउटपुट आती है तो हमारा जो है कंप्रेसर जब चलता है तो ये फ़ैन मोटर रुक जाती है, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसको सही कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इसका ये फीचर है और ये पैनासोनिक में हर मॉडल में इसी तरीके से ये आउटपुट आने पे फ़ैन मोटर बंद हो जाती है। अब जैसे ही कंप्रेसर में कूलिंग स्टार्ट होगी, सेंसर एनालाइज करेगा कि जैसे ही कूलिंग कॉइल पे जैसे ही कूलिंग आएगी तो वहाँ पे फ़ैन मोटर हमारी दोबारा से चलने लगेगी। कुछ ही टाइम में देखें आप यहाँ पे फिर से ये मोटर हमारी चलने लगेगी। लेकिन मैकेनिक कहते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, जिसको नहीं पता वो कहता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, इसको सही कर दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब आपको क्या लगता है, कंपनी ने ये फ़ीचर क्यों दिया है, क्या फ़ायदा है इसका? और फ़ायदा है दोस्तों जो ये कंपनी ने ये फ़ीचर दिया आपको बताना है। अगर आपको मालूम है, आपको पता है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।